गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एचआरडी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। वह समर्थ साधन जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक संप्रेषित करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे हम अपने मन की बात एक दूसरे को बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसी रूप में हम भाषा कहते हैं। भाषा के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि इस भाषा का उपयोग सर्वप्रथम हुआ था और इसे पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों ही इसे व्यक्त कर सकते हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है। तो इसके अंतर्गत बोलना और सुनना, मुंह का और कानों का उपयोग। दूसरी है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे। इसलिए इसमें लिखना और पढ़ना, यानी कि हम हाथ से लिख सकते हैं और आंखों से पढ़ सकते हैं। तीसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात दूसरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे हम कई बार रोड पर ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं कि वो अपने हाथों से किस तरह से वाहनों को नियंत्रित करता है और आने जाने का मार्गदर्शन करता है। लेकिन सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में इतना महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि हम इस भाषा के द्वारा कई बार अपने मन की बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमारी राज्य भाषा हिंदी है।